हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। आई एम योगिता सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। बच्चों, लास्ट वीडियो आपकी इस पर चैप्टर जो आपका फिफ्थ है, विधायिका, इस पर हमारे जो है वीडियो चल रही थी आपकी। इसमें मैंने आपको तीन वीडियो दे दी हैं। आज ही आपकी लास्ट वीडियो है पार्ट फोर, जिसमें हम विधायिका के बारे में पढ़े थे। विधायिका में हम संसद में, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़े थे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट शुरू होता है इसमें आगे का, ये है संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, ये भी एक गवर्नमेंट का एक पार्ट है। तो जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत मिला होता है, यानी कि कोई पार्टी ऐसी है जिससे जो गठबंधन में या बहुमत में सरकार बनाती है, उसी के सदस्यों को मिलाकर सदस्य संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी, तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों यानी कि MPs और MLA को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हासिल हो। उदाहरण के लिए, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। यानी कि विधायिका में किसी कुछ भी कहने के बावजूद भी किसी भी सदस्य के अगेंस्ट जो है कोई भी जब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो उसे संसद का विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपने जनता का ठीक से प्रतिनिधि कर सके और कार्यपालिका पर प्रभाव नियंत्रण रख सके। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, यह किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की जातियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब है आपका संसदीय नियंत्रण के साधन। संसद का नियंत्रण कैसे है। संसदीय नियंत्रण में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा नीति या कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम किन तरीकों से करती है वो आगे है। नंबर एक, बहस और चर्चा करके, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति देकर, वित्तीय नियंत्रण देकर और अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। पहला आता है आपका बहस और वाद विवाद। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नीतियों और क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अलावा सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। जो कुछ निम्न है, जैसे कि प्रश्नकाल आता है, इसमें शून्यकाल आता है। ये संसद में जब बहस होती है तो इसमें एक प्रश्नकाल आता है, एक शून्यकाल आता है। प्रश्नकाल में क्या होता है कि संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्य के तीखे प्रश्नों का जवाब देना होता है। उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें मंत्री जो है सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। शून्यकाल किसे कहते हैं, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव आदि, उसे शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। ज़्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों से मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के लिए के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी, इन सब पर जो है सरकार से सूचना मांगने के लिए होते हैं। जो भी प्रश्नकाल में जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं, इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान जो है वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बातें रखने के लिए उन्हें ऊंची आवाज़ में बोलना होता है, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन से बहिर्गमन जैसी घटनाएं जो है देखी जाती हैं। ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं प्रश्नकाल में होती हैं, जो सदस्य बैठकर जो है अपने बातों को रखते हैं।
इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सभी कदम सरकार से रियायत पाने के लिए राजनीतिक तरीके हैं और इसे कार्यपालिका उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। अब है कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति। कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास ही होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था किसके पास होता है, तो संसद के पास ही होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता कि स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार विपक्ष के बीच गंभीर मोल तोल समझौते भी होते हैं, मनमुटाव भी होता है, चर्चा बहस होती है। यदि सरकार के पास लोकसभा में जो बहुमत हो उस पर राज्यसभा में ना हो, जैसे कि 77 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ था, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी होती पड़ी थी। अनेक विधेयक, मसल लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया है। इस टाइप के विधेयक है जिसे राज्यसभा ने जो है स्वीकार नहीं कराया, इसलिए वो कानून नहीं बनाया। अब है वित्तीय नियंत्रण। जैसे कि पहले जान चुके हैं कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की जो व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना, उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण रखने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है, फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामले की जाँच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग के सुनिश्चित करना नहीं होता है। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नियुक्तियों पर नियंत्रण करती है। अविश्वास प्रस्ताव। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। यानी अगर संसद जो है कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिए जो है उसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, लेकिन जब सरकार को अपने दल अथवा सहयोग दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज़्यादा होती है। वास्तविक कम होती है और काल्पनिक ज़्यादा होती है। हम बात करें अगर सन 1981 के बाद से, तो अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा है। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोग दलों का समर्थन बनाए रख पाई। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियुक्त कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हों और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें, और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाले बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अलावा संसद के दोनों सदन में जो है गणपूर्ति का अभाव और विपक्ष का द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएँ भी रही हैं, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियुक्त करने की सदन की शक्ति जो है प्रभावित हुई है। अब हम बात करते हैं संसदीय समितियां क्या करती हैं। विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां जो है केवल कानून बनाने का काम ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सदन के दैनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो उनके दैनिक कार्य चलते हैं उनमें भी उनका काम होता है। चूँकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए इनके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उसमें जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना होता है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के किए गए खर्चों की जाँच, भ्रष्टाचार के मामलों में पड़ताल, ये सारी चीज़ें काम भी जो संसद में होती हैं।
संसदीय समितियाँ यह सब कार्य करती हैं। 1983 में इस भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। विभिन्न विभागों में संबंधित 22 समितियाँ हैं। स्थायी समितियाँ विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट खर्चे, उनके विधेयक की देखरेख करती है। स्थायी समितियों के अलावा अपने देश में संयुक्त संसद समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा और वित्तीय अनियमितियों की जाँच के लिए भी किया जा सकता है। समितियाँ इस व्यवस्था के लिए संसद का कार्यभार हल्का कर दिया। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को जो है समितियों को भेजा गया है। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करने की मंजूरी दे दी है। कानूनी नजरिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना जो बजट पास हो सकता है ना कोई विधेयक कानून बन सकता है। यानी कि कोई भी काम होता है, कोई बजट पास होना हो या कोई भी कानून बनना हो, बगैर संसद के नहीं होता है। लेकिन यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझाव को संसद शायद ही कभी नामंजूर करे, वो उनकी बातों को भी जो है सपोर्ट करती है। संसद स्वयं कैसे नियंत्रित करती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। संसद बहस मुहावसे का मंच है, जहाँ पर बहुत रोज़ बहस होती है, चर्चा होती है। इस बहस मुहावसे के जरिए ही संसद अपने सभी ज़रूरी कामों को अंजाम देती है। सार्थक और अनुशासित ढंग से होना चाहिए ताकि संसद की कार्यवाही आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद उनकी पार्टी छोड़ना चाहे तो क्या होगा। स्वतंत्रता के काफ़ी समय तक बाद तक ये समस्या बनी रही। कुछ लोग जो है एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते, लेकिन अब उस पर रोक लगी जा चुकी है। कैसे कि दलों में इस बात पर आम सहमति बन गई कि दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कर 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया। इसमें दल बदल निरोधक कानून जिसे कहते हैं, इसमें जो है 91वें 91 संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। इसमें अमेंडमेंट किया गया, सदन का अध्यक्ष दल बदल के संबंध में विवादों का अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके के जो है कानून बना दिया गया है। इससे जो है काफ़ी कमी आई है दल बदल में। इसके अलावा ऐसे दल बदलों को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। दल बदल क्या है, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदर्श के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल के सदस्य त्याग पत्र दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं। और पिछले 20 सालों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के संसद के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की हैं। तो बच्चों, ये मेन टॉपिक मैंने आपको समझा दी हैं। आप जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, चैप्टर को भी कई बार रीड करेंगे और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।